डोसा तो हम बनाते रहते हैं, और सूजी का डोसा भी बनाते हैं, दाल चावल का डोसा भी बनाते हैं, पर मैं आज आपको क्विक डोसा बनाना सिखाऊंगी। तो ये मेरे बने हुए चावल हैं जिन्हें मैंने पहले से ही कुक कर लिया था, तो थोड़े से बच गए थे। आज मेरा बेटा डोसे के लिए ज़िद्दी कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर दी जाए। तो जैसे कि आपके कभी चावल ज़्यादा बन जाते हैं और बच जाते हैं, तो आप उनका डोसा बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो ये 1 कप बने हुए चावल हैं, कुक किए हुए चावल हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, एक कप छोटे वाले 1 कप मैं सूजी ले लूँगी। सूजी अगर आपके पास बारीक हो तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर बारीक सूजी ना हो तो मोटी वाली सूजी को आप थोड़ा मिक्सर में चला लें। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सूजी को मिक्सर में चला लिया है, तो ये इस तरह से अपनी बारीक सूजी की तरह हो जाती है। और अगर थोड़ी सी आपको दरदरी लगे तो आप इसको एक बार और मिक्सर में चला लें। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे चावल बचे हैं हम इसको इसमें डालकर एक बार चावल को भी हम चला लेंगे। तो हमें इसको एकदम महीन पीसना है, और रुक रुक कर मिक्सर चलाकर इसे हमें पीसना है। और आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें 1 चम्मच अभी पानी डाल दें, ज़्यादा पानी ना डालें, 1 चम्मच ही डालें। और 1 छोटा चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे, और ये एकदम बारीक पेस्ट जैसा हमें बनाकर तैयार करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से ऐसा हो जाएगा ये पिस के। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें आधा कप पानी और डाल देंगे, और अब इसको हम अच्छी तरह से एक दो बार और चला देंगे। रुक रुक कर हमें मिक्सर को चलाना है। ये जो हम डोसा बनाएंगे ये बच्चों के लिए बहुत पौष्टिक है, क्योंकि इसमें सूजी है और साथ ही इसमें चावल है, और चावल बच्चों इससे बच्चों का पेट भी बहुत जल्दी भर जाता है, और ये बहुत जल्दी बन जाते हैं जब आप। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि चावल के ऊपर डिपेंड करता है, कभी कभी जो कोई ऐसे चावल होते हैं छोटे वाले जो ज़्यादा पानी सोखते हैं, तो उस समय क्या है ये पेस्ट थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। तो आप घबराए नहीं, आप आधा कप पानी और डाल दें। तो मेरे इस पेस्ट को बनाने में मुझे पूरा 1 कप पानी लगा है, तो ये चावल के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप देख लीजिएगा आप कैसा क्या है, तो आप उस हिसाब से उसमें पानी डाल सकते हैं। और ये जो डोसा बनता है ये बहुत जल्दी बन जाता है। जब भी आपका बच्चा ज़िद्दी करे डोसा बनाने के लिए, डोसा खाने के लिए, तो आप इसे फटाफट बना सकते हैं।